नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जनता का आभार जताने आज रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। रायबरेली में भारी मतों से जीतने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में लोगों का आभार जताने आज रायबरेली आएंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो वहां के लोगों से मिलेंगी और उन्हें धन्यवाद कहेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद आज ममता बनर्जी की पहली प्रशासनिक बैठक। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासन के काम में तेजी लाने को उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रशासन के काम में क्या लापरवाही हुई है, ममता बनर्जी इसकी समीक्षा करेंगी। ओडिशा में आज होगी विधायक दल की बैठक। ओडिशा में आज विधायक दल की बैठक होगी। वहीं ओडिशा में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अब 12 जून को शपथ ग्रहण करेगी। बता दें कि भाजपा 147 सदस्यीय विधानसभा में 78 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। बिहार में हेलीकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया हुई तेज, आज जारी होगा वित्तीय टेंडर। बिहार के पटना में वीआईपी उड़ानों के लिए सरकार एक ट्विन हेलीकॉप्टर लेने की प्रक्रिया में महीनों से जुटी है। चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य सरकार जिस हेलीकॉप्टर की खरीद करने की तैयारी में है वो 9 से 10 सीटर होगा और इसे 5 साल तक की लीज पर लिया जाएगा। आज ग्रेटर नोएडा में श्रीलंका टीम दिखाएगी दम। ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 मैचों की व्हील चेयर इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी। बता दें कि ये सीरीज आज से 16 जून तक खेली जाएगी। इसके लिए श्रीलंकाई टीम 9 जून को ग्रेटर नोएडा पहुंच चुकी है। आज सैमसंग बांटेगा नौकरियां, आईटीआई में चलेगी कैंपस ड्राइव। खैराबाद स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कैंपस ड्राइव चलेगी। इस दौरान 2021, 2022 और 2023 के आईटीआई उत्तीर्ण 18 वर्ष से 24 वर्ष आयु वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन फिटर ICTSM RAC वायरमैन ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आज होगी चंबल परियोजना समिति की बैठक। चंबल परियोजना समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे CAD सभागार में आयोजित की जाएगी। सभापति सुनील गालव ने बताया कि बैठक में सिंचित क्षेत्र विकास चंबल के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। रांची में सचिवालय सेवा संघ आज से शुरू करेगा क्रमबद्ध आंदोलन। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। शनिवार को संघ की बैठक के बाद महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने क्रमबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। बता दें कि आंदोलन आज से शुरू होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में आज मनाया जाएगा जगन्नाथ मंदिर का पाटोत्सव। राजस्थान के भीलवाड़ा में शास्त्री नगर कांवाखेड़ा स्थित जगन्नाथ मंदिर का 22वां पाटोत्सव आज मनाया जाएगा। मंदिर प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि दोपहर 3 बजे महिला समिति के तत्वाधान में भजन कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। रायपुर में आज पहुंचेगा मॉनसून। रविवार को मौसम का मिजाज बदला और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। हवा में ठंडकता आने से तपिश से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून आज रायपुर पहुंच जाएगा और 15 जून तक पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। सन 1770 में आज के दिन कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। सन 1866 में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1948 में आज के दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। 1955 में आज के दिन पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी। 2008 में आज के दिन धर्मराज निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।